मध्य प्रदेश सरकार ने 11 दिसंबर 2016 से 15 मई 2017 के बीच में नर्मदा सेवा यात्रा आयोजित की थी। करीब 148 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा का उद्देश्य था नर्मदा के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना। सरकार का दावा है कि इस दौरान करीब 6 करोड़ पौधे लगाए गए, लेकिन सरकार की यह यात्रा उसी के लिए मुसीबत बन जाएगी ऐसा शायद शिवराज सिंह चौहान ने भी नहीं सोचा होगा। कई हिंदू संतों ने इस यात्रा में घोटाले का आरोप लगाया, जिसमें कंप्यूटर महाराज और भैयू जी महाराज जैसे संत शामिल थे। इन संतों ने शिवराज सरकार के खिलाफ नर्मदा घोटाला रथ यात्रा का आयोजन करने का फैसला किया था। इससे शिवराज की मुसीबतें बढ़ सकती थीं। आज शिवराज सरकार ने 5 हिंदू संतों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। उनके इस फैसले को मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, क्योंकि इससे एक तीर से दो शिकार हो रहे हैं। शिवराज सरकार ने जिन बाबाओं को राज्य मंत्री का दर्जा दिया है उनका रसूख धार्मिक संस्थाओं से लेकर राजनीतिक हलकों तक है। इसके अलावा ये अपनी अजीबोगरीब हरकतों के लिए भी काफी चर्चित रहे हैं। आज हम आपको इन्हीं 5 बाबाओं के बारे में और उनके कारनामों के बारे में बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि शिवराज सरकार ने इनको क्यों राज्य मंत्री का दर्जा देकर एक तीर से दो शिकार किए। जिन धार्मिक संतों को ये दर्जा दिया गया है उनमें कंप्यूटर बाबा भी शामिल हैं। उनका असली नाम नामदेव त्यागी है। वो लैपटॉप लेकर चलते हैं और सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं। कंप्यूटर बाबा साल 2013 में तब विवादों से घिर गए थे जब उन्होंने कुंभ मेले के दौरान प्रशासन से हेलीकॉप्टर से आकर स्नान करने की मांग की थी। राज्य मंत्री का दर्जा पाए लोगों में भैयू जी महाराज दूसरे नंबर पर हैं। वो पहले मॉडलिंग करते थे। उनका असली नाम उदय सिंह देशमुख है। भैयू जी काफी अमीर परिवार से संबंध रखते हैं। उनका इंदौर में आलिशान आश्रम है। उनके अनुयायियों में आम लोगों के साथ ही कारोबारी और राजनेता भी शामिल हैं। व्हाइट मर्सिडीज एसयूवी से खुद सफर करते हैं, साथ ही उनके साथ कई फॉलोअर का काफिला भी चलता है। पिछले साल वह तब सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने इंदौर की एक लड़की डॉक्टर आयुषी से शादी की थी। उनकी पहली पत्नी माधवी का 2015 में निधन हो गया था। हरिहरानंद जी महाराज नर्मदा देवी नर्मदे सेवा यात्रा को आयोजित करने वाले 50 लोगों के कोर ग्रुप में थे। ये यात्रा 11 दिसंबर 2016 से शुरू होकर 11 मई 2017 तक चली थी। इन्हें भी राज्य मंत्री का दर्जा देने से पहले वृक्षारोपण, जल संरक्षण और नर्मदा की सफाई से जुड़ी समिति का सदस्य नियुक्त किया गया था। योगेंद्र महंत मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ 1 मई से 15 मई तक 15 दिन की रथ यात्रा निकालने की बात कह चुके हैं। माना जा रहा है कि शिवराज सरकार ने उनकी नाराजगी दूर करने के लिए उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। नर्मदानंद जी महाराज मध्य प्रदेश के नामी संतों में से एक हैं। हनुमान जयंती और रामनवमी के मौके पर हर बार यात्रा निकालते हैं। उन्होंने पिछले साल कई शोभा यात्रा का आयोजन किया था। अब उन्हें मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। शिवराज सरकार के खिलाफ नर्मदा घोटाला रथ यात्रा का ऐलान करने वाले संतों के सुर राज्य मंत्री बनते ही बदल गए हैं। अब उनका कहना है कि अब नर्मदा घोटाला रथ यात्रा निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो उनकी मांग थी वो पूरी कर दी गई है। उनकी मांग थी कि हिंदू संतों को नर्मदा यात्रा की समिति में शामिल किया जाए। कांग्रेस पार्टी बाबाओं को उनके वादे याद दिला रही है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने अपना मास्टर स्ट्रोक तो चल ही दिया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लोकमत न्यूज़.in, क्योंकि लोकमत खबरों में आगे, खबरों के पीछे।